नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप ही के YouTube चैनल पर। तो आप सभी को पता ही है कि हायर एजुकेशन के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पोस्टें आई थी उनका पेपर हो चुका है और उनकी जो फाइनल आंसर की है वो भी आ चुकी है और रिज़ल्ट भी आ चुका है। तो उस रिज़ल्ट के आधार पर आज हम यहाँ बात करने जा रहे हैं, जो हिंदी की पोस्टें आई थी असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर वो 30 पोस्टें थी। तो 29 पोस्टों की जो मेरिट रहेगी उस मेरिट के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पोस्टों की टोटल गिनती आप देख सकते हो 30 थी। तो आज हम यहाँ सिर्फ जनरल की जो पहले बात कर लेते हैं भी जनरल कैटेगरी की जो मेरिट क्या रहेगी। तो पहले डिवाइडेशन देख लेते हैं पोस्टों की। अगर हम बात करें तो 8 पोस्टें थी जनरल को आई हैं जो मेल के अंदर बात कर सकते हैं हम। उसके बाद में 2 EWS को आई है और 3 पोस्टें हैं जो फीमेल को आई है। तो टोटल अगर हम जनरल की बात करें तो 8 और 3 11 और 2 13 पोस्टें इनके खाते में आई थी। तो हम इन 13 पोस्टों की मेरिट की बात करेंगे आपके साथ विद प्रूफ रिजल्ट के साथ। मैं बताऊंगा आपको कि इसकी मेरिट क्या जाने वाली है। तो देखिए, आप देख सकते हो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनरल की फीमेल की, क्योंकि अगर फीमेल की मेरिट हम निकालेंगे तो उसके बाद में ही तय होगा कि मेरिट क्या जाने वाली है। तो देखिए, मैंने रिज़ल्ट में से ये मार्क्स निकाले हैं और मैंने तैयार किया है। तो मैंने यहाँ पे मैं बता दूँ कि 65 मार्क्स से जो है वो काउंट करना शुरू किया है, क्योंकि इससे नीचे वालों का तो नंबर आना ही नहीं है, निश्चित था, और आना इनका भी नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फीमेल की जनरल में। तो फीमेल की 3 पोस्टें हैं जनरल के अंदर, आपको पता है इनको कोटा मिला हुआ 33%। तो इन 3 पोस्टों पे अगर हम नंबरों की बात करें तो जो टॉपर है फीमेल में वो 74 नंबर है, और 74 नंबर पर 2 गर्ल्स हैं। उसके बाद में जो है 73 नंबर पर 1 है। अगर हम बात करें कि इनमें से कोई बाहर ना हो, इनके डॉक्यूमेंट प्रॉपर पूरे हों और ये लगने के इच्छुक हों, तो 3 पोस्टें फीमेल की है जनरल में, तो 73 से मेरिट नीचे जाने वाली नहीं है, क्योंकि 3 लेडीज जो है, 3 महिला अध्यापक, उनके 2 के 74 नंबर हैं और 1 के 73 नंबर है, तो 3 पोस्टें यहीं पूरी हो जाती है। अगर बाई चांस इनमें से एक महिला बाहर होती है, उसके डॉक्यूमेंट न हो या वो लगने की इच्छुक न हो, तो फिर एक उसके बाद में 72 नंबर वाली महिला का नंबर आ सकता है। उसके बाद में अगर वो न लगने की इच्छुक हो या उसके डॉक्यूमेंट पूरे न हो, तो 72 वाले ये एक गर्ल है। अगर ये भी न लगने की इच्छुक हो और उसके डॉक्यूमेंट पूरे न हो, तो 71। अब 71 से नीचे तो जाने के बिल्कुल आसार नहीं है, क्योंकि 71 नंबर तक हमारे पास 6 गर्ल हो जाती है और पोस्ट 3 ही हैं। तो इनकी या 71 तक मैं समझता हूँ कि स्क्रूटनी जरूर हो सकती है, या 69 वाले की भी स्क्रूटनी हो सकती है। तो ये थी फीमेल की मेरिट। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं मेल की मेरिट जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की हिंदी में। तो मेल में मैं बता दूँ कि हाइएस्ट नंबर लेने वाले हैं 78 नंबर, सिर्फ ओनली 1 कैंडिडेट है, तो इनका तो नंबर फाइनली है, क्योंकि ये तो हाइएस्ट है पंजाब के अंदर नंबर इसके। और मैं बता दूं कि इधर से फीमेल का के जो नंबर है वो इधर भी ऐड हुए हैं। मुझे खास में बता दूं कि 33% अगर फीमेल की बात करें तो 70। अब पहले हम मेल की मेरिट की बात कर लेते हैं। तो टोटल अगर हम बात करें तो 8 पोस्टें हैं। अब 8 हम काउंट कर लेते हैं, 78 नंबर पर 1 है, उसके बाद में 75 नंबर पर 2 है, 1+2। उसके बाद में 74 नंबर पर 3 कैंडिडेट हैं, 3 ये मैंने लिखे हैं, और उसके बाद में 73 नंबर पर 6 कैंडिडेट है, ठीक है जी। तो ये हो गए 1 और 2 3 3 और 3 6 6 और 12। अब मेल में अगर हम बात करें तो ये 12 हो चुके हैं, ठीक है जी। अब 12 स्टूडेंट्स की अगर हम बात कर ले तो पोस्टें हैं 8, तो इसमें फीमेल भी काउंट हो जाएंगी, क्योंकि 2 फीमेल और 3 2 फीमेल यहाँ 3 फीमेल जो है हमारे इसके अंदर ही काउंट हो जाएगी। तो ये संशय किसी के दिमाग में नहीं रहना चाहिए कि फीमेल की मेरिट लो जाएगी, फीमेल की मेरिट मेल के साथ ही बनेगी, क्योंकि ये जो 3 हम अगर टॉपर बात कर रहे हैं तो ये 3 फीमेल्स जो हैं वो इसी के अंदर ही आ रही हैं, मेल के अंदर ही, तो इनकी एक सेम मेरिट ही बनेगी। मैं बता दूं कि मेरिट ऊपर नीचे जाने की कोई आसार नहीं है, ऊपर नीचे जाएंगी तो कैसे जाएंगी वो मैं आपको बताऊंगा। अब 12 हैं, इस 12 में से 8 है, अगर मान ले सभी के डॉक्यूमेंट प्रॉपर होते हैं
मान लीजिए एक, तीन और तीन छः, और अगर सभी के डॉक्यूमेंट प्रॉपर होते हैं तो 73 नंबर में से ये फर्स्ट दो कैंडिडेट ही लग पाएंगे, और अगर तीन चार के डॉक्यूमेंट आगे पीछे होते हैं तो यहाँ तक लग सकते हैं 12 कैंडिडेट, तो 73 73। इसके बाद में बात कर लेते हैं 72, तो 72 पे फिर पांच कैंडिडेट हैं, तो चल के मान के चलिए आप टोटल हो गए 17 कैंडिडेट 72 नंबर तक। और लगने कितने हैं यहाँ पर, लगने हैं जनरल की अगर बात कर ले तो 8 और 3 11, और टोटल 11 होगी पोस्टें, 8 मेल की 3 फीमेल के अंदर ही जोड़ लेंगे क्योंकि इनके अंदर ही आ रही हैं फीमेल भी, तो 11 पोस्टें, और 72 तक हमारे पास कैंडिडेट बनते हैं 17। तो अगर 72 तक सभी के डॉक्यूमेंट प्रॉपर होते हैं तो इसमें से भी 72 वाले कुछ कैंडिडेट रह जाएंगे, सभी नहीं लगेंगे। अगर कुछ के डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं है, कुछ लगने नहीं लगना नहीं चाहते, तो 72 तक मान के चल सकते हो कि लग सकते हैं। अब मैं बता दूं कि लास्ट मेरिट 72 मेरा मानना है जनरल की, हो सकता है कुछ अगर आगे पीछे होता है तो 71 से नीचे तो मेरे से लिखवा लो जाने वाली नहीं है मेरिट, इससे नीचे वाले तो भूल ही जाएं। 71 वालों की स्क्रूटनी हो सकती है कुछ की, लेकिन सभी कैंडिडेट वो नहीं लगेंगे, और अगर प्रॉपरली सारा कुछ सही रहता है तो 72 नंबर तक ही लगेंगे कैंडिडेट, और वो भी अगर किसी के डॉक्यूमेंट सही नहीं होते हैं तो। अब बात कर लेते हैं मेल प्लस फीमेल, तो मेल प्लस फीमेल दोनों की मेरिट सेम रहने वाली है, इसमें कोई लोचा नहीं है क्योंकि सेम नंबर में दोनों काउंट हो रहे हैं, इसलिए मेल और फीमेल की बिल्कुल बराबर मेरिट रहेगी। तो आप यहां से दे सकते हैं, आपके नंबर देख लो और इसमें आप मैच कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। 71 पर एक है हाईएस्ट, 75 पर दो कैंडिडेट हैं, 74 पर तीन कैंडिडेट हैं, 73 पर सिक्स कैंडिडेट हैं। तो अगर प्रॉपरली सही रहता है तो 6 और 6 12, अगर डॉक्यूमेंट सभी के प्रॉपर होते हैं तो 12 पोस्टें, 11 12 बंदे 73 तक आते हैं और 11 पोस्टें बनती है। उसके बाद में अगर हम बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की मेरिट भी आप देख लीजिए, 73 के बाद में अगर शुरू करते हैं तो 70 हो सकता है, 73 में भी ईडब्ल्यूएस के दो कैंडिडेट हों, तो दो पोस्ट हैं ईडब्ल्यूएस की, तो अभी 73 या इससे नीचे 72 से नीचे ईडब्ल्यूएस की मेरिट जाने वाली नहीं है। और सभी इसके बाद में कैटेगरी जो एक्स सर्विस मैन वगैरह रह गए, हैंडीकैप्ड वगैरह रह गए, तो उनकी जो मेरिट है वो नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेके आऊँगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। अब थोड़ी ही देर में मैं आपको लगभग 1-2 घंटे के अंदर बाकी कैटेगरी की जो मेरिट रहती है हिंदी की वो मैं आपके सामने लेके आऊँगा, उसके बाद पंजाबी की और हिस्ट्री की, इसी प्रकार से सभी की मेरिट आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सबसे पहले ऐसी ये जो खबर है वो प्राप्त करने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।